हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे पास ये फ़ोन आया है G6, ये डैड फ़ोन है। अदर शॉप वाले ने इसकी चार्जिंग IC पे काम किया है, तो हम इसका फॉल्ट फाइंड करेंगे। पहले तो इसको स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करेंगे। पहले हम इसकी VWAT और VWAT के बाद VPH लाइन चेक करेंगे, और उसके बाद DC पे इसकी हम रीडिंग चेक करेंगे कि DC पे कितनी रीडिंग ले रहा है। तो पकड़ जा, तो सबसे पहले हम इसकी VWAT की लाइन चेक करते हैं। तो इसकी हमारी VWAT की लाइन तो ओके, रिवर्स में या फॉरवर्ड में भी ओके ही है। और इसकी अब हम VPH की लाइन चेक करेंगे फॉरवर्ड में, तो ये शॉर्ट दिखा रहा है और ये बहुत साइड से शॉर्ट ही आ रही है। इसके अंदर हमारी जो रीडिंग आ रही है, तो इसकी VPH लाइन है जो वो है शॉर्ट। जो बोर्ड सही दिख रहा था वैसे वो दिखा देते हैं। जो ये इसकी VPH लाइन है, VPH लाइन में जो कॉइल है वो बिल्कुल शॉर्ट है, 0-0 रीडिंग आ रही है। और इसको एक बार हम DC पे चेक करते हैं, DC पे ये शॉर्ट है तो VPH पे क्या रीडिंग दे रहा है। तो हमने इसे कनेक्ट किया, हाँ, तो ये डायरेक्ट हमारी 43 की रीडिंग ले रहा है। तो इसको अब हम रिमूव करेंगे, सामने दिखा दें। रिमूव करते ही ये हमारी शॉर्टिंग हट गई है। तो मैं इसकी VPH लाइन की शॉर्टिंग निकालूंगा और चेक करूंगा ये फ़ोन हमारा ऑन होता है या नहीं। तो इसके हम सबसे पहले रोजिन करेंगे और इस पर वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, देखते हैं कि हमारी इसकी जो शॉर्टिंग है वो निकलती है या नहीं। इस आसपास के कैपेसिटर से कोई भी कैपेसिटर मेल्ट होता है या नहीं। ये इसकी पावर IC है, ये यहाँ पे भी हमारे VPH की वोल्टेज हमारे यहाँ पे भी आती है। तो चेक करते हैं हम, DC मशीन खत्म हो गई। तो मैंने सेट किया हुआ है 5 वोल्टेज पे, 5.1 एम्पीयर। तो मैं डायरेक्ट इस पर जितनी वोल्टेज इंजेक्ट करूँगा इसकी VPH पे, VPH की कॉइल पे, और चेक करेंगे कि हमारी कोई शॉर्टिंग वगैरह है कहीं, या कोई कैप शॉर्ट है वो मेल्ट होता है या नहीं। तो हमें यहाँ पे एक कैप है, तो मैं यहाँ पे रोजिन करता हूँ। यहाँ पे स्पार्किंग हुई है हल्की सी, हमने यहाँ पे रोजिन नहीं की थी, आइडिया नहीं था कि वहाँ पे शॉर्टिंग निकल जाएगी। तो मैं थोड़ा सा जूम करो, इसको कर दिया था बिल्कुल जूम एकदम उस पॉइंट पे। तो मैं इस कैप को रिमूव करता हूँ और चेक करता हूँ कि हमारी जो शॉर्टिंग है वो हमारी निकली या नहीं। वो तो दिखाओ थोड़ा सा, हाँ हाँ DC, सॉरी इसको ऊपर से दिखाओ, इस ऊपर के एंगल से, ऊपर से टॉप से, हाँ। तो दोनों चीज़ें, तो ये VPH की लाइन में चेक करता हूँ मैं, अभी भी हमारी इस पर शॉर्टिंग है। तो एक बार मैं इसको माइक्रोस्कोप में देख लेता हूँ, ये देखो लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है। तो यहाँ पे एक LDO लगा हुआ है, मैं ये LDO को रिमूव करूँगा। इस LDO को रिमूव करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारे यहाँ से शॉर्टिंग निकलती है या नहीं। तो मैंने ये LDO को रिमूव कर दिया है, बहुत लंबी वीडियो है, कोई नहीं, लॉन्ग वे डालेंगे इसको।
ये आ गया ना, तो अब इसके इस तरीके से बदल वाला गली है जैसे पार करेगा उसको। रोजी बोर्ड पे फैल क्यों नहीं रहा जा रहा? ऊपर वो पंखा चल रहा है ना। कोई नहीं, इतना भी बहुत है, इतने भी घुस लेते हैं। चल भाई हो जा ठीक, इसको ऐसे घुमाता हूँ। ये इंटरनली शॉर्ट हो गया, ये इसका बोर्ड है ना जो वो अंदर से ग्राउंड के साथ ना वो हो गया, टच हो गया है, इसलिए ना वहाँ पे ना आग लग रही है। तो सर्जरी ब्लेड से ना वो पूरा एरिया ना कट करना पड़ेगा। तो ये लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखा ना, यहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ इसको। इधर आ जा। जो ये हमारा पॉइंट है ना जहाँ पे ये LED को लगा हुआ था, तो बार बार हमारी यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है। तो मैं आपको एक बार और स्पार्किंग दिखाता हूँ, यहाँ स्पार्किंग कैसी हो रही है देखिए गाइस, वहाँ से वो मेल्ट हो रहा है। तो ये एरिया हमारा जो है अंदर से इंटरनल ही शॉर्ट हो गया है। तो मैं इसे यहाँ से कट करूँगा और ये VPH की ये लाइन है, एक वाइट सी जो डॉट दिख रहा ना भैया, वो भी मेल्ट कर रहा है वो। चलो आउट कर, जूम आउट करने पे हमारा मल्टीमीटर भी आ गया होगा ना, मल्टीमीटर। तो मैं इस पर वहाँ पे भी दोनों चीज़ आ रही होंगी स्क्रीन में। हाँ चलो ठीक है। तो ये तो गाइस वो हमारा जो मदरबोर्ड था वो इंटरनली शॉर्ट हो गया था, इसलिए हमारी सी शॉर्ट नहीं निकल रही थी। तो मैंने इस जॉट को इस LED को यहाँ से बोर्ड को कट किया है, तो ये फ़ोन हमारा इसकी शॉर्टिंग निकल चुकी है। तो मैं जल्दी से इधर लगा, अब इसको ऑन करके हम देखते हैं ये फ़ोन हमारा ऑन हुआ या ऑन नहीं हुआ। वीडियो थोड़ी लंबी चली गई है बट नॉलेजेबल वीडियो है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बहुत टाइम लगता है ऐसी वीडियो बनाने में। बस चेक करते हैं ये फ़ोन हमारा ऑन होगा या नहीं। तो गाइस फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, इसकी बैटरी लो थी और लाइव मैंने आपके सामने इस फ़ोन को लाइव किया है। हमारे इसके अंदर वो दिखा रहा है ये लोग। तो गाइस बैटरी चार्ज है लगता है, इसका ऑन ऑफ का बटन है जो वो काम नहीं कर रहा, इसका ऑन ऑफ की भी काम नहीं कर रही है। देखते हैं गाइस फ़ोन ऑन होता है या नहीं, तो लगता है फ़ोन ऑन हो जाएगा हमारा। तो गाइस फ़ोन ऑन हो चुका है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसी मोर वीडियो में और डालता रहूँगा, मोर ऐसी नॉलेजेबल वीडियो। तो गाइस देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, इसमें सैमसंग। सो गाइस हमारा फ़ोन ये ऑन हो चुका है और इसकी टच ख़राब है, इसकी टच वर्क हाँ कर रही है, दबा के चला रहे हैं। देखो गाइस ये सामने आपके एकदम लाइव फ़ोन हमने ऑन किया है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस ये फ़ोन ऑन हो चुका है और हमारे जो शॉप वाले भाई हैं वो भी यहीं बैठे हुए हैं, तो इनको फ़ोन दे देते हैं इनका। ये लो फ़ोन हो गया आपका, हो गया हो गया हो गया हो गया। ये लो पीछे ट्विजर से टच करके चेक करो, बीच आइटम दे दो फटाफट। ओके एक रिव्यू दे दो हमारे चैनल के लिए। ओके भैया हो गया, डन हो गया, थैंक यू। तो गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना कहते हैं भैया।